वो एक कन्वेंस था, इंडिया की किस्मत अच्छी, उसको अच्छा एक लीडर मिला, उसने एक अच्छे विजन से अपनी इकॉनमी को 10 साल में उसने अपनी इकॉनमी दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी दुनिया अच्छे से अच्छा मोटरसाइकिल हीरो होंडा, और हमारे से म्यार भी उसका अच्छा है, लेकिन हमारे ये है कि आटा 150 रुपये है, वहाँ आटा जो है वो 25 रुपये किलो है। ये हालत है हमारी, अगर अच्छे आदमी को वोट दिया जाए अच्छे लोगों को, और इमरान खान आप सब की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि सब जो आए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मेहरबानी करें और अच्छे लोगों को वोट दें, अल्लाह करे कोई मुल्क तरक्की करे, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, लोगों का मुस्तकबिल बच्चों का महफूज होना चाहिए, अच्छे लोगों के ये अच्छे लोग ही कर सकते हैं। पहले भी हम वोट देते रहे, लेकिन 9-10 इलेक्शन तो मैं दे चुका हूँ, तो 10 इलेक्शन में मैंने तो यही हमेशा दबाव करते होते थे कि अल्लाह मियाँ को अच्छा लीडर मिल जाए। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई इतनी ज़्यादा सर्दी है और इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं धुंध फोग, जो मर्जी कहते हैं स्मॉग फोग जो भी कहते हैं आप, वो है ना कि अभी तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है और अभी मैं बिस्तर से बाहर निकला हूँ, तो जो लड़का था काम वाला रोहित रोहिला है, उसका नाम दरअसल रोहित और हम उसे कहते हैं रोला, ठीक है ना, बस प्यार से, तो वो रोला जा चुका है हमारा ढूंढ फटाखा लेकर काम पर, ठीक है ना। तो अभी मैं उठाऊँ तो मुझे अभी करना है नाश्ता, चाय मैंने अभी पी ली, अब करता हूँ नाश्ता और नाश्ता करके मैं भी अभी जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने सोचा भाई काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ठंड तो सारा दिन ऐसी रहेगी, काम जो है वो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाश्ता जी करते हैं सबसे पहले तो यहाँ से, और रात चावल बने पड़े थे तो मैंने सोचा रात के बचे हुए चावल यही खा लेते हैं जी। ब्लैक चने जो है ना वो इसके अंदर डाले हुए हैं, ये देख लें जी, अब धुएं निकला, गर्म किया हुआ है ना इसे अभी। तो अपने लिए इतने से बहुत है, इतना ही हम करते हैं नाश्ता, ठीक है ना, सुबह सुबह इतना बहुत होता है। तो ये दोस्तों तकरीबन 3 घंटे हो गए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ये देख लीजिए सारे गन्ने जो है मैंने अभी साफ़ किए हैं, पहले इसे काटा था कमान को यहाँ से, और ये फिर जो है ऊपर का घास अलहदा कर लिया, गन्ने छीट कर अलहदा कर लिए, ये खोरी अलहदा कर ली है, और ये जो ऊपर से मतलब कि काट रहा है और मैं जो है पीछे गन्ने छील रहा हूँ, ठीक है ना। हाथ हमारे देख लें भाई सर्दी की वजह से ना कैसी कंडीशन हुई पड़ी है। तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं, अभी जो है ना 15 मिनट बाकी है, अभी मैंने टाइम देखा है 11:45 हो चुके हैं और 12:15 अभी बाकी है, ठीक है ना। तो सुबह हम आए थे 8 बजे 9 बजे मेरे ख्याल में हम आए थे, एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा था, काफ़ी ज़्यादा अभी तो सूरज भी काफ़ी निकल चुका है, लेकिन सुबह तो भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, और आज मुझे शहर भी जाना था, लेकिन अभी जो लगता है मुझे अभी नहीं जा पाएंगे हम शहर। यहाँ पर हम बना रहे हैं जी गाजर का हलवा, ठीक है ना, गाजर का हलवा ये देख लें जी कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। गाजर इसमें जो है कद्दूकस करके हमने डाल दी है, ये देख लें भाई साहब, अभी इसमें पानी है बहुत सारा, ये दूध डाला हुआ है, ये दूध है, ये जितना भी है ना ये दूध डाला हुआ है। तो और अभी जो इसमें सामान जो होता है ना डालने के लिए वो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ बाजार में, बादाम वगैरह किशमिश जो यानी कि लटर पटर डालना है ना वो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में अभी, ठीक है ना, आया हूँ मैं और अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि बादाम वगैरह का क्या रेट है, क्या प्राइस है पाकिस्तान में। तो जाते जाते जी ये गैस सिलेंडर भी ले चलते हैं, इसको भी भरवाना है हमने, ये तकरीबन 2 किलो मैं इसमें भरवा कर ले आता हूँ, ठीक है ना, ये भी भरवा लेंगे। और पैसे हमने ले लिए हैं 1500 रुपये, ठीक है ना, 1500 रुपये में हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया, सामान इतना नहीं है, ठीक है ना, और गैस सामान खरीदना, इसमें जो आधा सामान हमने डाल दिया है अभी भी मेरा पता है कि इसमें आधा सामान जो डाल दिया है, अभी जो इसमें डाला हुआ है ना वो बादाम है इसमें, किशमिश जो होता है आप लोग क्या कहते हैं किशमिश भी कहते हैं इधर, सौगी भी कहते हैं किशमिश और सौगी एक ही चीज़ है, ठीक है ना, वो भी डाल दी है, नारियल भी डाल दिए हैं, सॉरी बादाम नहीं डाले, नारियल डाले हैं, किशमिश डाले हैं और सूजी डाली है, ठीक है ना, और सूजी जो है ना वो थोड़ी सी और हम मैंने लेकर आनी है, और अभी जो इसमें हम डालने वाले हैं वो बादाम मूँगफली और सूजी थोड़ी सी और लेकर आएंगे, पहले भी डालिए थोड़ी सी और भी ला कर डालेंगे, ठीक है ना, और गैस भरवाना है। तो 1500 रुपये है हमारे पास और इसमें ये सारा आइटम भी लेकर आएंगे और साथ साथ अपना गैस भी भरवाएंगे। ये विशाल जो है इसको हनीशा को झूला दिला रहा है, रो है हनीशा भाई इधर सो रही है मज़े से, ये देख लें
अनिशा ये देख ला भाई, ओ देख ला भाई सो रही है, अभी से सोने देता उठ जाएगी ये। ये गैस हमने जी भरवा लिया है और अब आ चुके हैं जी करियाने के स्टोर पर, तो यहाँ से लेना है बादाम और ये साथ में इसको भी कुछ खिलाएंगे यहाँ से। ये 500 रुपए के हमने बादाम ले लिए हैं जी, इस तरह के हैं 500 के बादाम भी हैं, कुछ इस टाइप के हैं, अच्छी यानी अच्छी क्वालिटी वाले बादाम हैं ये। अभी आधा किलो हमने लेनी है सूजी, भाई वहाँ पर गया है निकालने के लिए। ये पापड़ इसको दिया है जी 10 रुपए का लेकर दिया एनी टाइम, और 100 रुपए की मूंगफली हो गई है और आधा किलो सूजी हो चुकी है, 500 रुपए के बादाम हो चुके हैं। टोटल बिल बना रहे हैं भाई, टोटल कितना बिल बन गया? 710। टोटल जो सामान बना है जी 710 रुपए का बना है। तो जी दोस्तों मेरे पास कैमरा नहीं था, इसी वजह से मैं फ़ोन से व्लॉग बना रहा हूँ, और कैमरा जो मेरे घर पे था तो मैंने सोचा भाई आज जो है फ़ोन से व्लॉग बनाते हैं, कैमरा को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर, तो ना आज मैंने व्लॉग बनाया तो मोटरसाइकिल पर बहुत ही ज़्यादा वो शोर आ रहा था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जो मैंने बादाम लिए हैं ना वो मैंने 3000 रुपये किलो के हिसाब से 500 रुपये के लिए हैं, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी के बादाम 3000 रुपये किलो, जो नॉर्मल होते हैं वो 2500 रुपये किलो। आधा किलो मैंने सूजी ली है सूजी, और जो मुझे LPG गैस मिला है वो मिला है जी 320 रुपये किलो। आपने मुझे ये रेट बताना है कि आपके वहाँ पर बादाम का क्या रेट है, ठीक है ना। हमारे इधर 3000 रुपये की अच्छी क्वालिटी के बादाम नॉर्मल जो होते हैं वो 2500 रुपये किलो होते हैं, और गैस जो है 320 रुपये किलो, और सूजी जो है 280 रुपये किलो। मैंने 140 रुपये की आधा किलो सूजी ली है, ठीक है। तो आपने हमें बताना है कि आपके वहाँ पर इन सारी चीज़ों का क्या रेट है। तो अभी मुझे जाना है जल्द से, पर मुझे अभी कॉल ऐसी आई थी घर पे, घर से के जल्दी आओ, हमने जल्द से पर जाना है जहाँ पर हमारा कोई नेता वगैरह आने वाला है, MNA साहब, ठीक है। तो अभी हमने वहाँ पर भी जाएंगे। तो जी दोस्तों अभी हमने काम कंप्लीट कर लिया घर का, और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हम जा रहे हैं जलसे पर, तो वहाँ पर जो है ना हमारे इधर जो हमारे इलाके के MNA साहब हैं ना अभी वो आने वाले हैं, तो जो भी हमारे इलाके के गांव के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, और उनसे मतलब कि अभी वोट आ रहे हैं ना, इलेक्शन होने वाले हैं मेरे ख्याल में मार्च में होंगे या फरवरी में इलेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो फिर जो है अपनी प्रमोशन वगैरह करते फिर रहे हैं आजकल, तो वो आने वाले तो वो चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर जाकर। वो एक कन्वेंस था, इंडिया की किस्मत अच्छी, उसको अच्छा एक लीडर मिला, उसने एक अच्छे विजन से अपनी इकानमी को 10 साल में उसने अपनी इकानमी दुनिया की बेहतरीन इकानमी बनाई। तो वहाँ जो कार जो 20 लाख की है वो 3.5 लाख की है, वहाँ मोटरसाइकिल वहाँ 15000 रुपये का है, अच्छे से अच्छा मोटरसाइकिल हीरो होंडा, और हमारे से म्यार भी उसका अच्छा है, लेकिन हमारे ये है आटा 150 रुपये है, वहाँ आटा जो है वो 25 रुपये किलो है। ये हालत है हमारी, अगर अच्छे आदमी को वोट दिया जाए अच्छे लोगों को, और इमरान खान सब की जंग लड़ रहा है, इसलिए सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि साहब जो आए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मेहरबानी करें और इलेक्शन वाले दिन बड़े जज्बे से मेहनत करके वोट डालें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। हुक्का निशान है NA का, तो नीचे जो है वो प्याला, क्योंकि ये निशान तो एक ही होना था, अगर वो बदकिस्मती जज साहब जर्नलों ने मैनेज करके तो उसका निशान ख़त्म किया, तो बेहतर है बस यही है हमारी आवाम के लिए, बेहतर है कि भी वो अच्छे लोगों को वोट दें, अल्लाह करे कोई मुल्क तरक्की करे, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, लोगों का मुस्तकबिल बच्चों का महफूज होना चाहिए, अच्छे लोगों के ये अच्छे लोग ही कर सकते हैं। पहले भी हम वोट देते रहे, इतने 9-10 इलेक्शन तो मैं देख चुका हूँ, तो 10 इलेक्शन में मैंने तो यही हमेशा दुआ करते होते थे कि अल्लाह मियाँ को अच्छा लीडर मिल जाए, और उन्होंने जो किया वो सारा आवाम के सामने है, अब तो बच्चे बच्चे को पता क्या किया है।
अब बच्चे को भी नहीं समझाना चाहिए, बरखरदार ने वो मेरे से ज्यादा मालूम है, वो बच्चा दानिश है उसको मेरे से ज्यादा मालूम थी। हाँ ये अल्लाह ने अब कौम को शऊर दिया है तो अल्लाह करेगा इस दफा अच्छे फैसले कौम करेगी इंशाल्लाह। बस दुआ कराए भाई साहब, दुआ कराओ। तो जी गाइस अभी आया हूँ जी घर पे, आज जलसे पे दो तकरीबन दो ढाई घंटे वहाँ पर हम रहे और फिर जलसा अभी जारी था, मैं तो आ गया भाई, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी ना तो इस वजह से मैं फिर घर पे आ गया, ठीक है ना। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे होने वाला MNA है, वो भी इंडिया की एग्जांपल देता है कि इंडिया ने किस तरीके से मतलब कि इतनी ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है ना। अभी मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, इससे पहले वो बता रहा था कि इंडिया चाँद तक कैसे पहुंचा और मतलब कि कल रात जो है जापान चाँद तक पहुंचा है, जापान इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंडिया से पीछे रहा, ठीक है ना। इंडिया चौथा कंट्री था और जापान पाँचवा कंट्री बना है जो कि चाँद पर पहुँचा है, तो वो इंडिया की एग्जाम्पल दे रहा था और मतलब कह रहा था कि हमें वोट देंगे तो हम भी मतलब इंडिया जैसी तरक्की कर लेंगे, मतलब हर एक पॉलिटिशियन का अपना होता है ना। तो गाइस आज का व्लॉग मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम यहीं पर करते हैं दी एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय।